हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि ये एक्चुअली सही मायनों में कंप्लीट कवरेज होगा। कंप्लीट मतलब सही मायनों में कंप्लीट, एब्सोल्युटली। इसके बाद तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पार्ट। मैं इसमें एडिटोरियल्स भी करूंगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ एडिटोरियल्स में आया है मैं वो भी कर लूंगा, कोई आर्टिकल आया है तो भी मैं उसमें से पढ़ लूंगा। मैं तुम्हें फिलॉसफी भी समझा दूंगा विद रिलेशनशिप टू इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे ऐसा पता चलेगा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रिलीज हुआ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ किया या फिर किसी कोई भी ऐसा सिचुएशन जो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपडेट करता चले जाऊंगा इन दिस सीरीज। तो दिस विल बी योर वन पॉइंट डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो इंडिया चाइना रिलेशन अपडेट का पार्ट वन हम लोगों ने कल किया था एंड मुझे ऐसे उम्मीद है कि तुमने उस वीडियो को देख लिया है और उस वीडियो से तुमने नोट्स बना लिए। तो ये बड़ा जरूरी एलिमेंट है कि तुम इस एग्जाम के प्रिपेरेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट करो कि ना सिर्फ तुम क्लासेस अटेंड करो बट ऑल्सो इंश्योर कि तुम्हारा नोट्स बनते चले जाए, तुम उसको लास्ट मोमेंट पर रिटेन कर पाओ। यू मस्ट बी एबल टू यूटिलाइज दैट पार्ट। अगर तुमने यूटिलाइज ही नहीं किया तो जी कितना पढ़ लिया, किताबें खत्म हो गई, फायदा क्या हुआ। सो हमने पार्ट वन खत्म कर दिया और मैंने जैसे बोला कि मैं कंप्लीट कवरेज करूंगा। सो जी इंडिया चाइना रिलेशन में कंप्लीट कवरेज एक ही क्लास में तो हो नहीं सकती। सो आई हैव डिसाइडेड कि हम इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। सो मैंने कल की पार्ट में क्या लिया था, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर ली थी, हमने ये सोचने की कोशिश कर ली थी कि हमको ये पता चल गया था दैट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देयर आर कन्वर्जेंस इन द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड इन सम केसेस देयर इज अ डाइवर्जेंस। सो ये हमने सब कर लिया था एंड आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वी आर ऑन एन अकेडमी द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया और ये लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फिर चाहे आप पॉलिटी लो, चाहे गवर्नेंस लो, हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, आईआर लो, एवरीथिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शन से लेकर इंटरव्यूज तक हम आपका साथ देंगे। सो डोंट एवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज द अन अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और ये 24 जुलाई 2022 का 11 AM UPSC CSE Super Combat Time है। Top 3 rankers को मिलेगा Notes 2.0 and 150 lucky aspirants को Amazon gift vouchers मिलेंगे 10,000 rupees का। Scholarship pool of worth 4 crore rupees and more। तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE SIDLIVE। So हमने वैसे हम सब लोग सब educators at an academy ने at least the few डेज बिफोर हम लोगों ने यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0 आप सब लोगों के साथ लॉन्च किया था। वी टोल्ड यू कि इसमें हमने क्या क्या चेंजेस लाए। सो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया एवरी टॉपिक को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस हमने उसी में इंटीग्रेट कर लिए हैं। फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स डाले। कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किए और ये सब बहुत ही सॉलिड है ऑनवर्ड से है। तो अगर आपको प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे एक साल या एक साल से ज्यादा आपको ये फ्री मिल जाएंगे। सो दिस इज वेरी इजीली पॉसिबल। आपको सिर्फ एक कोड याद रखना है SIDLIVE कोड यूज करोगे और तुमको इमीडिएटली ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप 1 year एंड अबव सब्सक्रिप्शन लोगे। अगर आपने CSE एश्योर प्रोग्राम जानना है तो यू मस्ट परचेज 2 years एंड अबव सब्सक्रिप्शन एंड गेट CSE एश्योर। एंड अगर फॉर व्हाटएवर रीजन हो सकता है ना माय फ्रेंड कि तुम्हें वो रिजल्ट ना मिले जो तुम चाहते हो तो डोंट वरी, यू विल गेट अ फ्री ईयर 1 year एक्सटेंशन और इतना सॉलिड ऑफर है, डोंट मिस दिस। यूज द कोड SIDLIVE 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 मेरा रेफरल कोड है, आप इसे यूज करोगे यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय टीम। ग्रेट। सो और अन अकेडमी इज सो अवेयर सो अलाइव टू योर रिक्वायरमेंट कि अगर आपके पास मनी की बहुत मेजर प्रॉब्लम भी है सो 0% EMI पर आपको ये लोन्स मिल जाएंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ। वी आर एट अन अकेडमी द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स,
डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि अन अकेडमी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं किया, तो जिसे बोला जाता है हाथ कंगन को आरसी, क्या वी प्रूव्ड इट। 170 से ज्यादा टॉपर्स आए इन 2020, 178 से ज्यादा टॉपर्स आए इन 2021। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ। कल हमने जब क्लास स्टार्ट की थी, तो अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया तो प्लीज देख लीजिए, हमने अब कहीं ना कहीं तो क्रक्स बनाना था ना, सो हम लोगों ने फलक्रम जो बनाया वो वांगीज विजिट टू दिल्ली से बनाया। तो तुम्हें भी मालूम है कोविड के दौरान, लद्दाख स्टैंड ऑफ के टाइम पर इंडिया चाइना रिलेशंस रियली वेंट साउथ, एंड दैट इज द रीजन हम लोग ये इस इवेंट के आसपास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज चाइना वॉन्ट्स टू ट्राई एंड रिपेयर द इंडिया चाइना रिलेशंस, विच ऑब्वियसली उनके खुद की गलती की वजह से खराब हुआ है। उन्होंने खुद ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से द रिलेशनशिप विद सा, एंड नाउ द सिचुएशन हियर इज, क्या हम लोग इस सिचुएशन को एब्सोल्युटली जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मैं इसलिए आगे तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुमको प्रीवियस क्लास में ऑब्जर्वेशन आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। और मैंने तुम्हें कल की क्लास साइन आउट करते करते बोला था कि अब हम पढ़ेंगे फेजेस, द वेरियस फेजेस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। सो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत एंशियंट टाइम्स में नहीं जा रहे, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा हूँ ना, हिस्ट्री क्यों पढ़ना, बट फिर भी हिस्ट्री से कनेक्टेड भी तुम्हें मालूम होना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था और इन द प्रीवियस वीडियो दैट एंशियंट और हिस्टोरिक टाइज हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बोथ ऑफ अस हैड एम्पायर्स, बोथ ऑफ अस हैड क्वाइट अ बिट ऑफ नॉलेज ट्रांसफर, ओके, स्कॉलर्स ट्रैवल कर रहे थे, बुद्धिज्म ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर अगर हम थोड़े बीच का टाइम भी समझेंगे तो जब कॉलोनियल टाइम्स आया तो बोथ ऑफ अस बिकेम द विक्टिम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, हम दोनों ही कंट्रीज ने सहा, दोनों ही कंट्रीज वर द विक्टिम्स ऑफ द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, दोनों ही कंट्री लार्ज कंट्रीज हैं, दोनों ही कंट्रीज के लार्ज पॉपुलेशंस हैं, दोनों ही कंट्रीज को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, दोनों ही कंट्रीज को पॉवर्टी टॉलरेट करनी पड़ रही है या पड़ रही थी एटलीस्ट, और इसी वजह से बहुत सारे जगह कहीं ना कहीं देर वॉज कन्वर्जेंस ऑल्सो। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक देख लिया था, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपा करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि यू बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट। सो इसी सीरीज का पार्ट वन भी है, सो प्लीज वॉच दैट पार्ट। और उस कन्वर्जेंस के साथ साथ हमें ऐसे उम्मीद तो थी, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें भी उम्मीद होगी, बिकॉज ऑन पेपर तो सबको ठीक ही लग रहा है, यस, ऑन पेपर तो ऐसे लग रहा है कि यार इंडिया चाइना द टू एशियन जायंट्स, हम लोगों को ऐसा लगा कि वाओ यार व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ होगी, सब लोग साथ साथ में मिलके, दोनों कंट्री साथ साथ में लेकर, वी विल अशर इन व्हाट इज कॉल्ड एज द एशियन सेंचुरी, और बट ऐसा नहीं हुआ। सो देयर आर वेरियस फेजेस इन व्हिच इंडिया चाइना रिलेशनशिप शुड बी स्टडीड, और हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल इशू है क्या। तो जिसको हम हिस्ट्री इस तरह से पढ़ लेते हैं वो एक्चुअली हिस्ट्री इस तरह से नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो देयर इज अ हिस्टोरिकल इशू जो मैंने अभी अभी पढ़ाया, एंड देयर इज अ रियल हिस्टोरिकल इशू, ये तुम्हें बहुत कम लोग पढ़ाएंगे। So, pay attention to what is the problem between India and China per se. तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा डायग्राम बनाता हूँ। वेरी गुड, तो ये सुंदर सा डायग्राम तुम अप्रिशिएट करना। सो जो सुंदर सा डायग्राम है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े सुंदर सा डायग्राम है ये। Alright, तो ये जो सुंदर सा डायग्राम है इसमें एक गेम खेली जा रही है। What is the game? ये देखो, ये गेम है, एक गेम ये है बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनियल आइडियाज एंड ऑन द अदर साइड इज द रशियन एम्पायर। ये तुम बोलोगे ये कहां से कहां बात आ गई, बेटा इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे पढ़ना होता है। सो ये है रशियन एम्पायर और ये है द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन।
तो जब कलोनियल टाइम्स चल रहे थे, जब द कलोनियल टाइम्स वर गोइंग ऑन और एक्सपेंशन की बात हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स को हमेशा एप्रिहेंशन था, डर लगा रहता था कि उनकी कॉलोनीज को रशियन एम्पायर इंगल्फ कर लेगा, और रशियंस को हमेशा ये एप्रिहेंशन था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन में रशिया के वर्चस्व को चैलेंज करेंगे। सो एक इनके बीच में गेम चलती गई और उसी गेम को द ग्रेट गेम बोला जाता है। ना क्या ग्रेट गेम है? ग्रेट गेम ये है, इसको ग्रेट गेम बोलते हैं। इसको ग्रेट गेम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी कॉलोनीज को रशिया के इमीडिएट नेबरहुड में ना रखा जाए। मैं समझा पा रहा हूं कि तुम्हारा कि ब्रिटिशर्स की कोई भी कॉलोनी रशियन एम्पायर के इमीडिएट नेबरहुड में बिल्कुल ना हो, यानी कि समथिंग हैपेंस और एटलीस्ट एक और कंट्री या एक और टेरिटरी रशियन एम्पायर और ब्रिटिश कॉलोनी के बीच में होनी चाहिए। ये दिस वाज अ मेथड ऑफ सेफगार्डिंग कि रशियंस कभी सरप्राइज में अटैक ना कर दे, और वो कॉलोनी जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है वो रशियन एम्पायर में ऑटोमेटिकली ना इंक्लूड हो जाए। इस इंटरवीनिंग टेरिटरी को बफर स्टेट बोला जाता था। दिस वाज कॉल्ड एज बफर स्टेट। अब तुम्हें मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं और तुमने इतना मेजर ज्ञान अर्जित कर लिया है कि तुम आहा मोमेंट पे आ गए हो, तो तुमको बड़ा अजीब लगेगा कि कैसे ये बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट, कैसे ये ग्रेट गेम जो कि 1800 से चल रही थी, ये इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में इतना बड़ा गेम हो जाएगा। अगर तुम्हें ये मैप पे दिखाई देगा, सो देयर इज दिस रशियन एम्पायर, ओके, दिस इज चाइना, और ये रशियन एम्पायर और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक गेम चल रही थी, और वो गेम चल रही थी द ग्रेट गेम। सो दिस वाज द ग्रेट गेम। तो ये कार्टून या ये जो दिखाया जाता है, ये कभी कभी कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तुम्हें अगर ये पिक्चर ध्यान से दिखाई देगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंजमेंट, ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेट गेम, ब्रिटेन कीप्स द रशियन बेयर फ्रॉम इंडिया। बेटा पिक्चर देखनी होती है, आईआर पढ़ने का एक तरीका होता है, रटना वटना से थोड़ा होता है। सो ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये हो रहा है कि एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पॉसिबल थी ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि ब्रिटिशर्स इंडिया को स्पेशली कैसे कंट्रोल करेंगे, बिकॉज इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए, और ये लाइन तो सबको मालूम है, वी वर द जूल इन द क्राउन। तो ये जूल इन द क्राउन जो थे, जो दैट इज इंडिया, इस पर नजर सबकी थी, और ब्रिटिशर्स बड़े अप्रिहेंसिव थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, ओके, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि रशियन एम्पायर एक्सपैंड कर गया और इंडिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया या फिर ब्रिटिशर्स से वेस्ट आउट कर लिया, तो रशियन एम्पायर के पास ये जूल इन द क्राउन चले जाएगा और उसी सिनारियों में सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसी बेसिस पर ना बेटा अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की। सो ये जितने एंग्लो अफगान वॉर्स हुए, ये जानबूझ के अफगानिस्तान को कंट्रोल इसलिए किया गया ताकि रशियन एम्पायर डायरेक्टली अफगानिस्तान, सॉरी, द ब्रिटिश इंडिया को ना टच कर सके। अब तुम सोचोगे, सर हम तो अफगानिस्तान नहीं पढ़ रहे। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट वॉस विद टिबेट। सो टिबेट को भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था और रादर सोचा था एज वॉट इज कॉल्ड एज अ बफर स्टेट। सो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट था ताकि रशियन एम्पायर और रशियन इन्फ्लुएंस, दैट इज चाइना या फिर रशिया पर से, वहां से वो ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करके रख सके। सो ये कहानी जहां से स्टार्ट होती है, वो ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते, कहानी जो स्टार्ट हुई है इंडिया और चाइना की, वो इस ग्रेट गेम का पार्ट है। सो वी आर अगेन द विक्टिम्स ऑफ कलोनियल एक्सपेंशन,
और ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, एंड दैट इज वाई हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंडिया चाइना रिलेशन, तो हम अचानक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द 1962 वॉर या फिर फ्रॉम पंचशील, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये कहानी बड़ी पुरानी है, और ये जो कहानी पुरानी चल रही है ये चल रही है ऑल द वे फ्रॉम द ग्रेट गेट। तो स्टोरी स्टार्ट करते ही हम पुराने जमाने में जाएंगे। मैं फिर से तुम्हें एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा जो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ये है रशियन एम्पायर। ओके, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाता हूँ मैं, वेरी गुड। तो ये है रशियन एम्पायर और इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो इंडिया को प्रोटेक्ट करना है बाय क्रिएटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ बफर स्टेट। सो ये है ब्रिटिश इंडिया। ओके, ये तब का टाइम बात हो रही है, और हमको क्रिएट करने का प्लान है, जो ब्रिटिशर्स प्लान कर रहे हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज अ बफर स्टेट। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। सो ये है बफर स्टेट, ग्रेट। सो ये बफर स्टेट है। अब इस बफर स्टेट का एग्जाम्पल, बफर स्टेट का एग्जाम्पल इज तिब्बत। तो ब्रिटिशर्स ने एक अकॉर्ड करवाया, और वो अकॉर्ड था द शिमला अकॉर्ड ऑफ 1940। इरादा क्या था? इरादा था व्हाट इज कॉल्ड एज अ बफर स्टेट क्रिएट करना। सो स्टोरी देखो कहां से कनेक्ट, कहां से कहां जा रही है, वेरी गुड। तो शिमला अकॉर्ड 1914 में, जो ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं, पढ़ते भी नहीं, शिमला अकॉर्ड ऑफ 1914 में टिबेट से, और रादर टिबेट के साथ एक अरेंजमेंट करने का प्लान किया गया ताकि टिबेट एक्ट्स एज द बफर स्टेट। तो तुमको ये उस टाइम की फोटोग्राफ है। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टिबेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और चाइना आल्सो। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि चाइना और टिबेट अलग अलग कैसे हो गया, उस टाइम था। इन अदर वर्ड्स, उस टाइम पर 1914 में टिबेट सर्टनली अंडर द सुजरेनिटी ऑफ चाइना, बट स्टिल अ डिफरेंट एंटिटी और एन इंडिपेंडेंट एंटिटी था टू अ सर्टेन एक्सटेंट। चाइना अलग, ग्रेट ब्रिटेन अलग, और ऑब्वियसली देयर वाज द प्रिंस ऑफ सिक्किम आल्सो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वॉज नाम। ये नाम तो तुमने सुना होगा, इनका नाम था हेनरी मैकमोहन। ओके, अब तुमको अचानक याद आ गया होगा, अरे ये लाइन तो जानी पहचाना, सब नाम सुनाई दे रहा है, हेनरी मैकमोहन। तो ब्रिटेन की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था हेनरी मैकमोहन, जो चाइना की तरफ से था वो था इवान चेन, और इनके बीच में ये एक डिस्कशन हो रही थी। डिस्कशन क्या हो रही थी? डिस्कशन वही हो रही थी जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, कि किसी तरह से इनके बीच में अरेंजमेंट हो जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन टिबेट एंड ब्रिटिश इंडिया। ओके, इससे ब्रिटिश इंडिया को क्या फायदा होगा? इससे ब्रिटिश इंडिया को ये फायदा होगा कि अगर ये अरेंजमेंट मान ली जाए तो टिबेट बन जाएगा बफर स्टेट, और चाइना और टिबेट के को साथ में रखना जरूरी है। ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय ब्रिटिशर्स, सिक्किम के भी थे, लेकिन टिबेट और चाइना अगर मान गए, और मतलब इन अदर वर्ड्स ये लाइन हो गई, तो टिबेट हमेशा के लिए एक्ट करेगा एज द बफर स्टेट बिटवीन द रशियन एम्पायर एंड द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश इंडिया। बड़ी ही उम्मीदों के साथ ये शिमला एकॉर्ड पे डिस्कशन किया गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि चाइना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस डिस्कशन में मान गया, बोला ठीक है यार, जो भी आपकी अरेंजमेंट हो रही है, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, जो भी डिस्कशन हुई चाइना ने सब कुछ मान लिया, इवान चेन सब कुछ मान गया। पता नहीं लास्ट में क्या हुआ, मतलब पता नहीं क्या हुआ, इवान चेन फाइनली वॉकड आउट ऑफ दिस पार्ट, वॉकड आउट ऑफ एन अरेंजमेंट। पहले अरेंजमेंट बता देता हूं, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी हुई थी। तो अरेंजमेंट थी कि टिबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकली, आउटर टिबेट एंड इनर टिबेट। ओके, सो दे विल बी टू पार्ट्स, आउटर टिबेट एंड इनर टिबेट। इनर टिबेट जो होगा वो कंप्लीटली चाइनीज कंट्रोल में रहेगा। ओके, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है।
तो चाइना इसको कंट्रोल करेगा और आउटर टिबेट विल बी ऑटोनॉमसली रन बाय टिबेटेंस। ओके, सो ये एक्चुअली टिबेट का पार्ट हो जाएगा। और ये नदी जो है ना, नदी, हाँ, कौन सी नदी, नदी दिख रही है, कहाँ दिख रही है? अरे देखो, ये काम आएगी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ये एक रिवर का ध्यान रखना है। इस रिवर का नाम है चामडो रिवर। सो ये जो चामडो रिवर है, ओके, इस पर नजर रखना, और ये अरेंजमेंट होगी। वेरी गुड। और ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया ये रहा। ओके, तो ये है ब्रिटिश इंडिया, और ये जो लाइन हो जाएगी ब्रिटिश इंडिया एंड टिबेट के बीच में, उसको हम मानेंगे बाद में एज द मैकमोहन लाइन। ओहो, ये तो तुम्हें पढ़ा हुआ लग रहा है, बिल्कुल। तो तुम, मेरे लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वेरी गुड। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि ये इतना जो इजीली आप लोगों ने थ्योरेटिकली कर दिया है ना, ये होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर सम फनी रीजन इवान चेन वॉकड आउट ऑफ दिस डिस्कशन। क्या? इवान चेन बोला मैं नहीं मानता। पहले वो मान गए, फिर बोला कि नहीं माना। तो ये डेविन नेवल की का सोर्स है, जहां से मैंने ये मैप लिया, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस। ओके, सो इस वाले सिचुएशन में ये अरेंजमेंट से भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि इवान चेन तो वॉकआउट कर दिया। अच्छा, इवान चेन वॉकड आउट, और इवान चेन ने साइन नहीं किया, इन अदर वर्ड्स चाइना ने साइन नहीं किया। तो चाइना ने साइन क्यों नहीं किया? तो चाइना बोला कि टिबेट होता कौन है, टिबेट इज अंडर आवर सुजरेंटी, टिबेट कोई इंडिपेंडेंट कंट्री थोड़ा है, सो टिबेट को तुमने क्यों बुलाया? अब पहले हमें ये नहीं समझ आ रहा कि चाइना पहले फिर डिस्कशन क्यों कर रहा था, बट ठीक है। तो चाइना डिस्कस कर रहा था और जाते जाते साइन नहीं किया। तो ये होना चाहिए था ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, लेकिन अब इतना टाइम तो स्पेंड हो चुका था। तो अल्टीमेटली ये सिग्नेचर ब्रिटिश इंडिया यानी कि हेनरी मैकमोहन और टिबेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया। तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये थ्री पार्टी अग्रीमेंट होना था, हो गया टू पार्टी अग्रीमेंट, बट ठीक है। और मैकमोहन लाइन केम इनटू द पिक्चर जब गड़बड़ होती है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जब गड़बड़ हो गई पूरा एग्रीमेंट खराब हो गया। इन अदर वर्ड्स द शिमला एक्ॉर्ड एक्चुअली फेल्ड। ओके, एकॉर्ड प्रोवाइडेड दैट टिबेट वुड बी डिवाइडेड इनटू एन आउटर टिबेट एंड इनर टिबेट, आउटर टिबेट वुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द टिबेटन गवर्नमेंट एट लासा अंडर द चाइनीज सुजरेंटी, बट चाइनीज वुड नॉट इंटरफेयर इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। इनर टिबेट जो है वुड बी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट। ओके, सो यही वो लाइन है जिसको हम बाद में मैकमोहन लाइन के नाम से जानने लग गए। बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुशी के साथ साथ तुम्हें थोड़ी टेंशन भी हो रही होगी कि ये होना था ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। इसमें चाइना इन्वॉल्व होना था, इसमें टिबेट इन्वॉल्व होना था, इसमें ब्रिटिश इंडिया भी इन्वॉल्व होना था, लेकिन चाइना तो चला गया। और चाइनीज बोले कि भाई ये क्या बात हुई, वी डोंट एग्री टू सच एग्रीमेंट्स, राइट? तुम्हारे कहने से दोनों होने वाला एग्रीमेंट, हमको नहीं लगता कि टिबेटन्स को इस एग्रीमेंट का पार्टी होना चाहिए, टिबेटन्स तो हमारे सुजरेंटी में, हम तो नहीं मानते उनको। तुम्हें मालूम है कि चाइना ऑलवेज थॉट ऑफ टिबेट एज इट्स देयर ओन पार्ट। अब इनको कौन समझाए, नो प्रॉब्लम। सो चाइना वॉक्ड आउट और मैकमोहन लाइन आ गई। मैकमोहन लाइन आई कैसे? हाँ, मैकमोहन लाइन तो आ गई। तो ब्रिटिशर्स को मालूम था कि ये जो लाइन है ये ट्राइपार्टाइट की जगह बाइपार्टाइट हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने इसका और काम गड़बड़ कर दिया। इस मैकमोहन लाइन को कभी पब्लिसाइज ही नहीं किया गया। सो 1914 में इसको कभी पब्लिसाइज ही नहीं किया गया। इनफैक्ट हेनरी मैकमोहन को उठा के ट्रांसफर कर दिया, बोले जा लंदन चले जा, वो पता नहीं काम भेज दिया उसको। और मैकमोहन लाइन कभी पब्लिसाइज ही नहीं हुई। जब पब्लिसाइज ही नहीं हुई तो किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई लाइन बनी है, और बनेगी नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन कौन करेगा? और जो थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन थी चाइना की तरफ से, उसको ब्रिटिशर्स ने कभी एड्रेस ही नहीं किया। अब भैया ब्रिटिशर्स से पूछो कि तुमने इसको एड्रेस क्यों नहीं किया, भाई तुमने चाइना को पकड़ के पूछना चाहिए था क्या, क्यों नहीं मान रहे हो भाई? तो ब्रिटिशर्स के अपने बड़ी बड़ी मजबूरियां होती थी। 1914, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात मालूम है, तो वर्ल्ड वॉर वन का समय आ गया। ओहो, और ब्रिटिशर्स को चाइनीज की जरूरत थी, ये सही चल रहा है। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि हम लोगों के साथ एज कॉलोनीज, चाहे वो इंडिया हो चाहे फॉर दैट मैटर एनी ब्रिटिश कॉलोनी, ये लोग तो हमें है ना वो शतरंज के प्यादे होते हैं ना, वैसे यूज करते थे, राइट? वो क्या फर्क पड़ता है यार, अभी के लिए साइन कर दो, किसी को बिठाना है बिठाओ, नहीं बिठाना ना बिठाओ, किसका पब्लिसाइज करना है नहीं करना है, नहीं करना है फिनिश रहो। मतलब वो तो कभी ये सोचते भी नहीं थे कि
कि ये कितना मुसीबत क्रिएट करेगा, कि वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये वैसे सिचुएशन हो गई। तो मैकमोन लाइन को कभी पब्लिसाइज नहीं किया गया, मैकमोन को इंडिया से बाहर भेज दिया गया, चाइना को कभी कन्फ्रंट नहीं किया गया, वर्ल्ड वॉर वन हो गया और वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स को चाइना की जरूरत थी तो ये लोग चुप रहे। 1930s में आते आते तो पहली बार शायद इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज किया गया या बताया गया। इन अदर वर्ड्स ये करीब करीब जिसे बोला जाता है पीछे धुएं धुएं में ही रहा, तो नोबडी नोटिस एनीथिंग ऑन दिस पार्ट, फेयर इनफ। अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि 1930s गुजर गए और शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह फेल हो गए और द एंटायर सिचुएशन हमारे सर पे हेडेक आ गए। इन अदर वर्ड्स चाइना रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस लाइन। तो चाइना बोलता है ना, हम तो उस लाइन में थे ही नहीं, हम तो वॉकआउट कर रहे थे। इवान चेन बोलता है, इवान चेन हमारा रिप्रेजेंटेटिव था और इवान चेन जो रिप्रेजेंटेटिव वो तो वॉकआउट किया, हमने साइन किया है क्या, दिखाया कुछ, देख रहे हो शिमला अकॉर्ड में ना, तुम्हारे सिग्नेचर तो नहीं। हम उनको बोलते तुमने प्रिंसिपली तो एक्सेप्ट किया था, ओके तो तुमने वॉकआउट किया, बोला जी वॉकआउट किया। तो अब हम अगर यही बात ब्रिटिशर्स से पूछे, क्योंकि वी इंडिया थोड़ा ना था तब, तब तो ब्रिटिश इंडिया था, हमने ब्रिटिशर्स को बोला कि यार तुमने उसी टाइम मैटर सॉल्व क्यों नहीं किया, तो ब्रिटिशर्स बोलते कैसे सॉल्व करते, हमको चाइना की जरूरत थी 1914 में, इसलिए हमने इसको पब्लिसाइज भी नहीं किया। अब ब्रिटिशर्स को हमने 1947 में बाय बाय कह दिया, हमने बोला तुम जाओ यहां से, और ब्रिटिशर्स चले गए। जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिया बिकेम द सक्सेसर स्टेट, और इंडिया के पास वो सब कुछ आ गया जो ब्रिटिश इंडिया में था। तो जो एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए साइन किया था वो भी आ गए, जो अच्छा हुआ वो भी, जो बुरा हुआ वो भी, सब हमारे ही हाथ में आया। तो इंडिया ने क्या इनहेरिट किया, इंडिया ने इनहेरिट किया मैकमोहन लाइन। तो इंडिया क्या एक्सेप्ट करेगा, इंडिया एक्सेप्ट करेगा मैकमोहन लाइन। चाइना कभी ऐसी बातें मानता नहीं, चाइना के पास बहुत मेजर मेथड है। चाइना को पुराने मैप्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, चाइना क्लेम करता रहता है, वो पुराने मैप्स को दिखाता रहता है, ओके उनको मैप्स से लड़ने में बड़ा मजा आता है। वो बोलते हैं कि हमारे पास ना बड़े बड़े पुराने मैप्स पड़े हुए हैं, हम उन मैप्स में जो लिखा हुआ है ना उनको ही हम सच मानेंगे, कोई उनसे ये ना पूछे कि भाई ये मैप ऑथेंटिक है या नहीं है। तो वो बोलते हैं ना, जो मैप हमारा वही मैप ठीक है, जो मैप तुम्हारा वो गलत है। इसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक अग्रेशन। तो चाइना को मैप मैप खेलने में बड़ा मजा आता है, नक्शा नक्शा खेलेंगे हम, ओके उसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक अग्रेशन। कार्टोग्राफिक अग्रेशन मतलब अगर तुम चाइनीज लोगों को बोलोगे कि चाइना तुम काय को मैकमोहन लाइन नहीं मानते, तो बोलते तुम्हें मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप ऑथेंटिक मैप है। मैंने बोला ये कैसे ऑथेंटिक है, बोले वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि ये मैप हमारा है, ये मैप ऑथेंटिक है, और हमारे हिसाब से तवांग वैली रीजन जो कि अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, जो अरुणाचल प्रदेश है जिसको तुम अरुणाचल प्रदेश बोलते हो, और वो अरुणाचल प्रदेश तुम इसलिए बोलते हो क्योंकि मैकमोहन लाइन तुम्हारी है, ओके और तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, हम उसको साउथ टिबेट बोलते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा बस चले तो तुम तो पूरे एशिया को साउथ टिबेट बोल दोगे, और पूरा साउथ टिबेट ही तुम्हारा, क्या पूरा इंडिया, पूरा एशिया तुम्हारा, पूरी दुनिया तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी से थोड़ा चलेगा। बोलते वो हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमारा मैप बोलता है ये, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अब कौन बात करें इनसे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो ये जो हमको गुड बाय गिफ्ट मिला है, ये गुड बाय गिफ्ट हमको ब्रिटिशर्स ने दिया। उसी टाइम ब्रिटिशर्स ने इनको कन्फ्रंट कर लिया होता शिमला एकॉर्ड के टाइम पे, कि तुमने प्रिंसिपली तो एकॉर्ड साइन करने से पहले सब कुछ अग्री कर दिया था, फिर अचानक तुमने जस्ट बिकॉज साइन नहीं किया, डज नॉट मीन तुम साइन नहीं करोगे, थोड़ा ना जायज बात जायज ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो तुम्हारा उसी टाइम कन्फ्रंट कर लेते तो हमारे लिए ये हेडेक ना होता। तो ब्रिटिशर्स ने बोला हम तो चले, लेकिन हम तुम्हें एक गिफ्ट देकर जा रहे हैं, और वो गिफ्ट देकर जा रहे हैं द कंफ्यूजन ओवर द शिमला एकॉर्ड ऑफ 1914। सो हमारा जो पहला हेडेक है वो भी ब्रिटिशर्स की देन है, बिकॉज ये ग्रेट गेम का पार्ट है, और ये ग्रेट गेम तो ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत कुछ दिया, हाँ ज्यादातर हेडेक ही दिया। राइट, तो ये जो ब्रिटिशर्स हमको देकर गए उनमें से पहला गिफ्ट था वॉज द मैकमोहन लाइन का कंफ्यूजन, द शिमला एकॉर्ड का कंफ्यूजन, जिसकी वजह से चाइना अब उसको साउथ टिबेट क्लेम करता है और अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है
जिस फर्स्ट फेज को हमको समझने में बड़ी हेडेक हो जाती है, और ये बात हमको समझना बड़ा जरूरी है. सो चाइना इज द वन जिसको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, बट कौन समझाए इनको. सो वी हैव नेवर बीन एबल टू रीड चाइना. ओके, तो 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, सो 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ वो नेहरूवियन पॉलिसी का स्टार्ट हुआ. नाउ इससे पहले कि हम नेहरूवियन पॉलिसी को प्रो या एंटी बात करें, पहले समझने की कोशिश करो कि हमें चाइना से क्या मांगना चाहिए था और क्या मांगा गया, और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी और क्या एक्सपेक्टेशन हुई. तो मैंने तो मैं पहले भी बोला था कि बहुत सारी चीजें तो कॉमन थी. ओके, तो हमारे ऑन पेपर बहुत सारी चीजें थी, साइज ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन, हमारे एंशिएंट टाइज, वेनसांग, फाहाइन, बुद्धिज्म, बहुत सारी चीजें, एंशिएंट एम्पायर, बहुत सारी चीजें हमारे बीच में कॉमन है. लेकिन हम लोग चाइना को रीड नहीं कर पाए. मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इट इज नॉट अबाउट टू कंट्रीज, इट इज अबाउट द अंडरलाइन डायनामिक्स. अंडरलाइन डायनामिक्स बड़ा मैटर करता है. हमारा अंडरलाइन डायनामिक्स इज गांधीयन फिलोसफी. हम लोग गांधीयन फिलोसफी के मानने वाले लोग हैं. हमको लगता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस से ही दुनिया ठीक ठाक चलती है. सो ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमारे डीएनए में, रग रग में शामिल है. तो हम लोग, तुमने कभी सुना नहीं होगा कि इंडिया किसी कंट्री को जाकर अननेसेसरली इंटरफेयर करेगा. इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी, एयरफोर्स, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया ऐसा कुछ करेगा. बट चाइना क्या है, चाइना तो माओ की पॉलिसी को फॉलो करता है. चाइना बोलता है कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग तो एक्सपेंशन के मूड में हैं. अभी तो तुम्हें मालूम नहीं है हमारे मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, और हम तो एक्सपैंड करेंगे. तो मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था, ये द जिसे बोलता है राइट पाम मेथड. ओके, और राइट पाम फिलोसफी था, उसमें पांच फिंगर्स और पाम. ओके, सो वो था टिबेट, अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, नेपाल एंड लद्दाख. सो ये अभी तक इनके माओ के जो कॉन्सेप्ट था राइट पाम. ओके, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये लोग एक्सपैंड करने पार्ट समझते हैं. 1947 के बाद हमको तो लगा कुछ और, हम ये कन्वर्जेंस ढूंढ रहे थे, ये लोग डाइवर्जेंट प्लान्स कर रहे थे. तो हम लोग रीड ही नहीं कर पाए चाइना को. तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या गलती हो गई. सो हम लोग ना एक्सपेक्ट करने लगे कि जैसे हम लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे ही चाइना भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो. तो तुम्हें ये फोटोग्राफ में बहुत कुछ दिख रहा होगा. तो ये ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू साहब है, और ये ज़ाओ एनलाई है. ओके, ज़ाओ एनलाई. ओके, ये द प्रीमियर, द चाइनीज प्रीमियर थे. तो इनको हमने इनवाइट किया, इनको इनवाइट किया, और हमने इनकी बड़ी मेहमान नवाजी करी. इनको मतलब हीरो हीरो थे. व्हाट काइंड ऑफ, मतलब शायद ही किसी फॉरेन डिग्निटरी को किसी और कंट्री ने इतना इतना ज्यादा स्वागत किया, इतनी ज्यादा खुशी, और एक नया ही रोमांच था पूरे देश में. और हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट बनाया गया. सो हिंदी चीनी भाई भाई, आई होप ऐसे ही बोलना होता. ओके, तो ये बड़ा ही मेजर कॉन्सेप्ट हुआ. देखो, सोच के देखो थोड़ी देर, जस्ट इमेजिन, राइट, एक बार थोड़ा सा इमेजिन करो. क्या इमेजिन करना है, इमेजिन करो यार, टू एशियन जायंट्स बेस्ट फ्रेंड बन जाए. ओके, वाओ, मतलब दुनिया हिलने वाली है. सो इसको तो कहते हैं कि द ज़ेनिथ ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी. मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं लिखते चले जाओ, तुम्हारे एग्जाम में बड़े काम आएंगे. ओके, इट वाज द ज़ेनिथ ऑफ फॉरेन पॉलिसी. नेहरूवियन पॉलिसी का ये ज़ेनिथ था. मतलब इसको बोलते फर्स्ट आना, ऑल इंडिया रैंक वन. जैसे तुम आईएएस ऑफिसर्स बनोगे ना, तो वैसे ही ये फॉरेन डिप्लोमेसी में इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा. तो हमने पंचशील अग्रीमेंट से बात की. तो पंचशील भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए. सो पंचशील जो अग्रीमेंट था वो एक्चुअली अग्रीमेंट भी ना होकर एक अरेंजमेंट था. ये था फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. अरे देखा, क्या देखा, बस यही देखा हमने.
ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो इंडिया का डीएनए था, हाँ, तो ये तो इंडियन पॉलिसी थी, तो आज चाइना भी मान गई। ये जो चाइनीज है ना, ये सोच कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। इन अदर वर्ड्स, इनको इन्होंने हमको ऐसा दिखाया कि जैसा तुम बोलोगे वैसा मानेंगे, हम तो बड़े अच्छे लोग। मतलब तुम बोलते हो प्रिंसिपल से कोई, चलो जी साइन ही तो करना, हम भी कर लेते। इन्होंने ये अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया 1954 में, ये अग्रीमेंट का पार्ट था, द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब ये फाइव प्रिंसिपल तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं, तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें क्या क्या है। तो ये ना अभी पढ़ लेना, क्योंकि ये बाद में बहुत जगह काम आएगा, बांडुंग में भी यही काम आएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट में भी यही काम आएगा। हमने बोला हैव रिजॉल्व टू एंटर इनटू प्रेजेंट एग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है? वन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसको है ना फुल स्पीड में मत करना, इसको पढ़ते पढ़ते करना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड बहुत ही खूबसूरत पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये जो पांचों पॉइंट्स है ना, इसको रट लो और बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, बिकॉज अगर पंचशील पे आएगा और तुमने ये पांच पॉइंट्स नहीं लिखे तो एग्जामिनर को लगेगा तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, जो मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया आपका पंचशील का फाइव प्रिंसिपल। इसको कृपा करके ना ट्रीटी ट्रीटी में बोला करो, ये एट मैक्सिमम एक अग्रीमेंट था, एट मैक्सिमम एक सिनेरियो था। बताओ, ओहो क्या बोलेंगे, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, वाओ, व्हेन नेहरू गिफ्टेड दशहरी एंड लंगड़ा आम टू जाओ एन लाई। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, बताओ क्या बात है। ये होती है दोस्ती, होता है ऐसी हो वरना ना हो, बताओ। ओके, तो तुम पढ़ना चाहोगे? ओके, व्हेन ही मेट G7 लीडर्स, ओके, वहां से स्टार्ट हो गया। तो हमने तो ये प्रपोजल टू सेंड मैंगो सेपलिंग्स टू जाओ एन लाई वाज मूटेड बाय इंडियन एम्बेसडर टू पीकिंग, नाउ बीजिंग, हु सजेस्टेड दैट न्यू दिल्ली शुड सेंड सम मैंगो सेपलिंग्स एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर इट्स प्लांटिंग बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन पीपल्स पार्क एट कैंटोन, नाउ नोन एज ग्वांगझाउ, द कैपिटल ऑफ ग्वांगडोंग। ओके, सो बताओ, मतलब कितना अच्छा, मतलब कितनी उम्मीदों से हमने भेजा और हमने उनको आम खिलाए, बताओ। ऑलराइट, सो कितने सारे हमने उनको आम खिलाए, बोलो यार तुम अच्छे हो, हिंदी चीनी भाई भाई। और ये बहुत ही रोमांटिक जमाना था, लेकिन जो विकिमीडिया कॉमन्स में तो मैं ऐसे बहुत फोटोग्राम लेके, बट इन शॉर्ट मुझे मैंगो से इतना इतराज नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि ये चाइनीज हमको धोखा देने के मूड में थे। चाइनीज कुछ और सोच रहे थे, इनका जो अंदर का थॉट प्रोसेस था वो एक्सपेंशनिस्ट था। हम लोगों ने इन पर भरोसा नहीं भरोसा किया और इन्होंने हमको धोखा दिया। ये जो हिंदी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट था, ये कुछ और ही इरादे बता, चाइना के इरादे कुछ और थे। ओहो सर, ये बहुत ही टेंशन वाले मूड में आ गए, तो अब तुम्हें थोड़ा सा डर लगने लगा होगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर किसी को नहीं शक था कि चाइना के मन में कुछ और ही विचार चल रहे, चाइना हैड अदर प्लान्स। तो मैंने तुम्हें ये क्लास स्टार्ट होता टाइम मैंने क्या बोला था, वी वर नॉट एबल टू रीड चाइना। ओ, ये तो टेंशन वाली बात है, अब देखते क्या होता है। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स हो चुका था, पंचशील हो चुका था, 29 अप्रैल 1950, ये सब डेट याद रख लेना, बहुत ही खूबसूरत डेट्स। ओके, सो 29 अप्रैल 1954 को ये अग्रीमेंट साइन कर दिया गया बिटवीन द इंडियन एम्बेसडर मिस्टर एन राघवन और द चाइनीज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर चांग हानफू। तो ये अग्रीमेंट साइन हो गया, हमने पंचशील को इनंसिएट किया और हमको लगा वाह ये हुई ना बात, राइट, अब इंडिया और चाइना मिलके एशियन सेंचुरी लाएंगे, तुम हमारे दोस्त हम तुम्हारे दोस्त। ओके, ये दोस्ती हम कभी ना तोड़ेंगे, वेरी गुड। चाइना का प्लान कुछ और था। सो एज आई सेड, ये जेनिथ ऑफ वर्ल्ड इन्फ्लुएंस था। ओके, और हिंदी चीनी भाई भाई पॉलिसी हो गई और दिस इज द ब्रांड न्यू। तो तुम जब आंसर लिखोगे तो ये वर्ड्स याद रखना। सो आई थिंक देखा जाए तो यार
मतलब मानने वाली बात है यार, दो एशियन जायंट्स ओके, जिनका एक्चुअली बहुत तक कन्फ्रंटेशन होने का चांस था, इन द सेंस ऑफ कि अभी तक जैसे दो लाइन्स है, एक लाइन जो मैकमोन लाइन है जो मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ, एक मैं बाद में बताऊंगा जो लद्दाख में जो जॉनसन आर्डाक लाइन अंदर मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, उसमें एक और प्रॉब्लम थी, तो वो वेस्टर्न सेक्टर की बात है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मैकमोन लाइन पे भी तो अपने आप में एक बड़ी मेजर हेडेक थी। और देखो जी, अब हम हिंदी चीनी भाई भाई हो गए, हम लोग आम भेज रहे हैं ओके, और बताओ लॉटरी हो रही। अदरवाइज इसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गया। अब क्या गड़बड़ हो गया, तो फोटोग्राफ से समझ में आएगा। तो इस कहानी में एक छोटा सा मेजर ट्विस्ट है। ऑलराइट, इस कहानी का जो मेजर ट्विस्ट है वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। सो टाइना इस दौरान अपना इन्फ्लुएंस नहीं भूला था ऑन टिबेट। ओके, सो स्टोरी अब पुरानी स्टार्ट होगी। तो चाइना जो है ओके, चाइना को जो मेजर प्रॉब्लम था राइट, वो था विद रिगार्ड्स टू टिबेट। तो चाइना ने 1950 में टिबेट पर अटैक कर दिया, एक्चुअली 49 में ओके। और जब टिबेट पे अटैक किया तो टिबेटेंस को तो पता ही नहीं था कि चाइनीज फोर्सेस, मतलब टिबेट थोड़ा रेडी होगा। इसको बैटल ऑफ चामडो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चांडो। तो अचानक चाइनीज फोर्सेस ने 1949 में टिबेट पे अटैक किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 49 हो या 50 हो, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, डजंट मैटर। ऑलराइट, सो बैटल ऑफ चांडो में चाइना ने टिबेट को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया बाय सेंडिंग इन द मिलिट्री। तुम्हें थोड़ा सा सुन के अचंबा लगा होगा कि ये तो गलत बात हुई ना, क्योंकि शिमला एकॉर्ड ऑफ 1914, जिसके बारे में हम काफी देर तक चर्चा कर चुके हैं, शिमला एकॉर्ड ऑफ 1914 के अनुसार ये तो होना नहीं चाहिए था ना। देर वॉज एन आउटर टिबेट एंड देर वॉज एन इनर टिबेट, सो देर वॉज एन आउटर टिबेट एंड देर वॉज एन इनर टिबेट, और इनके बीच में तो अरेंजमेंट थी। लेकिन इन्होंने बैटल ऑफ चांडो में अचानक अटैक कर दिया। तुमको मैंने एक चीज मार्क करवाई थी, ओ अब तुम्हें सब याद आ रहा होगा। यस, तो पढ़ना ऐसे होता है, अब तुम्हें समझना। तो ये जो चामडो नदी है ना, अरे इसलिए मैंने मार्क कराई थी। तो यहां से जो चाइनीज मिलिट्री है ये एंटर कर गई इनटू टिबेट बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी यूज के। इसी को बैटल ऑफ चामडो बोला जाता है। सो आउटर टिबेट ऑक्यूपाई हो गया ओके, और चाइनीज ने, चाइनीज बहुत स्मार्ट है, चाइना ने बोला कैसी बातें कर रहे हो, हमने कोई ऑक्यूपाई वॉक्यूपाई थोड़ा ना किया, हम तो चाइन टिबेटेंस को फ्री करने आए हैं, बताओ, हम फ्री करने आए हैं फ्रॉम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, ये क्या बात है। हाँ, बोले कि जब तक हम टिबेटेंस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तब तक ये बेचारे तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के गुलाम है, हमने तो इनको फ्री करा दिया। तो मतलब इनके मन में तो विचार पहले ही बैठे हुए थे कि जी टिबेट तो इनका ही है। वेरी गुड, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब है ये जो शिमला एकॉर्ड हुआ था इसको तो ये लोग कंप्लीटली भूल गए। तो चाइनीज तो कंप्लीटली भूल गए, अब चाइना से पूछो तो चाइना बोलेगा भूलने वाली बात ही नहीं, हमने तो साइन ही नहीं किया था। ओके, ब्रिटिशर्स बोलेगा यार सॉरी, मैंने तो उनको रिमाइंडर ही नहीं दिया था। हमने तो मैकमोन लाइन को पब्लिसाइज ही नहीं किया था। सब मुसीबत में फंसा कौन बेचारा इस सारे चक्कर, सब फंसा तो टिबेट। ऑलराइट, सो ना चाइना बोलेगा मेरी गलती, ना ब्रिटेन बोलेगा मेरी गलती, ना मैकमोन कुछ बोलने वाला, ना मैकमोन लाइन, और फंस कौन गया, वही वाली बात है, टिबेट बिकेम द विक्टिम ऑफ दिस कंफ्यूजन। राइट, नाउ द सिचुएशन है इसके बेचारे टिबेटेंस पीस लविंग पीपल, बड़े डिसेंट लोग ओके, वो चाइनीज मिलिट्री अग्रेशन और तैयार भी नहीं थे। नाउ सारा सारा नेक्सस आ गया और सारा का सारा पॉइंट आ गया कि क्या इंडिया इसमें कुछ कर सकता है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इंडिया ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उस टाइम पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ये हम नहीं इंटरफेयर करेंगे ओके, बिकॉज अगर हमने कुछ इंटरफेयर किया तो हो सकता है हम कुछ फायदा करना की जगह नुकसान करा बैठे, बिकॉज हम लोग शायद मिलिटरली उतने सक्षम है नहीं कि हम टिबेट की मदद करें। आई विल शो इट टू यू, और मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ ये मेरी कहानियां नहीं है,
राइट, और ये मेरे मन के विचार बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें एक भी ऐसी चीज नहीं दिखाई है जो मैंने खुद लिखा है। मैं हर चीज पढ़ाते टाइप उसके बाद तुम्हें उसके अथॉरिटेटिव मैप या अथॉरिटेटिव स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा हूँ या अथॉरिटेटिव एडिटोरियल पढ़ाते जा रहा हूँ। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी कहानी बताऊँ। ओके, मेरी कोई कहानी नहीं है। आई एम ओनली अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फेयर एनफ। सो इंडिया ने हेल्प नहीं किया, और इनफैक्ट चाइनीज ने हमको थ्रेट भी कर दिया। वो भी एक लेटर है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, जिसमें चाइनीज ने बोला कि गलती से भी डोंट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। राइट, इंडिया चुपचाप हो गया। अब इससे एक बात याद आती है, क्या कि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मतलब इंडिया ने अपने दोस्त टिबेट को उस टाइम मदद नहीं करी, मजबूरी कुछ भी हो लेकिन हमने मदद नहीं करी, और हमको लगा कि चाइना यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन चाइना रुकने वाला नहीं था। हमें लगा कि हम लोग प्यार से बात करेंगे तो चाइना कुछ नहीं करेगा, चाइना इसके आगे स्टेप नहीं लेगा। ये शायद हमारे लिए सबसे गलत डिसीजन था। वी डिसाइडेड नॉट टू इंटरवीन इन द सो कॉल्ड टिबेटन अफेयर्स, लेकिन वो टिबेटन अफेयर नहीं था, वो हमारा ही अफेयर था जिसको हमने नहीं इग्नोर करना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स, वी वर नॉट एबल टू रीड चाइना। चाइना का मन का विचार कुछ और ही था। ओके, सो ये शिमला एग्रीमेंट जो था, चाइना ने पहले इनिशियल किया था, बट देन ही वॉक्ड अवे विदाउट साइनिंग द एग्रीमेंट एट द ट्राइपार्टाइट समिट बिटवीन चाइना, टिबेट एंड ब्रिटिश रूल्ड इंडिया इन शिमला ऑन जुलाई 3, 1920। ब्रिटेन डिड नॉट पब्लिकली एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट अंटिल 1937, पॉसिबली बिकॉज ब्रिटेन डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड चाइना सिंस दे वर ऑन द सेम साइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। मच लेटर इन 2008 ब्रिटिश recognize China's sovereignty over Tibet. Post independence, India also made this mistake. We recognize Tibet to be a part of China in the wrong anticipation that Tibet के बाद चाइना नहीं चलेगा आगे। एंड अगर तुम इस पूरे सिचुएशन को देखोगे तो हमारा जो पंचशील का ऑफर था, तुम देखो बेटा पढ़ना सीखो, ऐसे पढ़ते आइया, तो जब हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया तो जाओ ऑनलाइन ने अपनी स्पीच में बोला था, ओहो लगता है तुमने पंचशील अग्रीमेंट साइन कर लिया। आई थिंक मेनी इश्यूज विच वर राइट फॉर सेटलमेंट हैव बीन रिजॉल्व। मतलब इस अग्रीमेंट के बाद, इस अग्रीमेंट में इंडिया ने एक्नॉलेज कर लिया और रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो टिबेट पार्ट है वो चाइना का है, और आई थिंक दिस वॉज वेरी वेरी रॉन्ग सिग्नल टू चाइना। चाइना थॉट दैट वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट आवर फ्रेंड्स, एंड इफ वी आर नॉट इनफ और नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वी डोंट हैव द पॉलिटिकल विल टू सपोर्ट आवर फ्रेंड्स, देन कौन बचाएगा तुमको, और क्या गारंटी है कि तुम अपने लिए भी लड़ लोगे। सो हैट्स ऑफ टू द प्रेजेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, सलाम है उनको कि इस टाइम की गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही। इस टाइम जो राइट है उसको हम राइट बोलेंगे, जो रॉन्ग है उसको हम रॉन्ग बोलेंगे, हम वो पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा कि आइडियलिज्म हैज बीन रिप्लेस्ड by realism. Oh, what a beautiful question. अब हम वो idealism के दरवाजे पे नहीं है जहां पर हम बोलेंगे ओह लगता है चाइना कुछ भी नहीं करेगा, चाइना सिर्फ टिबेट तो जाएगा फिर उसके बाद ब्रेक मार के बैठ जाएगा। नो, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सो वी विल नॉट Going to that trap, and China ने हमको उसी टाइम पर धोखा दे दिया। तो 1957 onwards,
चाइना ने वो करना स्टार्ट कर दिया जो कि होना तो था, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी, हमको लगा नहीं होगा। हम आइडियलिज्म के जमाने में थे ना, बिल्कुल। तो नेहरू जी एंड द नेहरूवियन पॉलिसी उस टाइम पर चाइना पर भरोसा करके बैठी हुई थी कि ये ठीक है, टिबेट को ऑक्यूपाई तो किया है, लेकिन ये टिबेट को हर तरह की इंडिपेंडेंस देंगे, टिबेट में रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा क्यों करता है? वही होने लगा। सो 1957 ऑनवर्ड्स चाइनीज फोर्सेस स्टार्टेड डूइंग अनटोल्ड काइंड ऑफ मिजरीज और क्रिएटेड अनटोल्ड मिजरीज टुवर्ड्स द टिबेटन्स। और दलाई लामा साहब को मौका मिला, और फिर बड़ा मुश्किल से वो पहले अरुणाचल के रास्ते से धीरे 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 छुप छुपा कर इंडिया आ गए। और थैंकफुली थैंकफुली द इंडियन गवर्नमेंट ने उनको शरण दी, पॉलिटिकल असाइलम दिया। तो अब आप सब लोगों को मालूम है कि वो धर्मशाला में है, और इंडिया ने जैसे पॉलिटिकल असाइलम दिया तो चाइनीज तो चाइनीज है, ये लोग अपनी बात अलग ही तरीके से मनवाते। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, देखा तुमने तोड़ दिया ना पंछी लगरी में। What? हाँ, तुमने तोड़ा पंछी लगरी में। कैसे? देखो, तुमने इंटरफेरेंस कर दिया। ओ, तुमने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के खिलाफ काम किया, क्योंकि दलाई लामा जो है वो हमारे हिसाब से हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करे। बताओ, बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन है, इनसे कौन निपटे? तो तुम नोटिस ही कर रहे हो कि एवरीथिंग वाज ऑन देयर माइंडसेट। ये जब एक एक कंट्री का डीएनए, एक कंट्री का थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा होता है कि उनको किसी ना किसी तरह से एक्सपैंड करना है, तो वो सारे इल्जाम तुम पर लगाते चले जाते। तो उन्होंने हम पर ही इल्जाम लगाए, बोला देखा तुमने तोड़ दिया पंचशील का एग्रीमेंट। हम बोले यार हमने थोड़ा तोड़ा, तुमने सारे वादे निभाए। तो वो बोले ओ, तुमने फिर क्यों एक्सेप्ट कर लिया था कि टिबेट हमारा पार्ट है? देखा, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो तुमने हो गया प्रॉब्लम, तुम ना मानते तो अब ये सिचुएशन हो गई। ये उनका लेटर आया। ओके, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लेटर है, तो ये चाउवेनलाई का लेटर है, तुम पढ़ना है। ओके, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा पेट में एसिड हो जाएगा। First of all, I wish to point out that the ये from the archives है, from that the Sino-Indian boundary has never been formally delimited. Historically, no treaty or agreement on the Sino-Indian border had been concluded between the Chinese central government and the government of India. An important question concerning Sino-Indian boundary is the question of the line, देखो words, देखो so-called McMahon line. I discussed this with our excellency as well as the Prime Minister. I would like to explain again the Chinese government's attitude. So, ये तो बड़े स्टाइल से बोले। As you are aware, the Macmahon line was a product of the British policy of aggression against the Tibet region of China and aroused great indignation amongst the Chinese people. Jurisdiction-wise, too, it cannot be considered as legal. I have told you that it has never been recognized by the Chinese government. I hope that this letter will help you to get better understanding of our government's stand on the border issue. ऐसा कौन बोलता है? दोस्त तो नहीं बोलते। और यहां से मेरे ख्याल से क्लियर मेंशन था कि चाइना की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो पंचशील के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो शिमला एकॉर्ड को फॉलो करे, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो मैकमोन लाइन को फॉलो करे, उनको कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस करे। उनका एकमात्र इरादा था कि भैया जो वही है कायदा जिसमें अपना है फायदा, हम तो एक्सपैंड करेंगे। एंड दैट इज द रीजन इंडिया वाज कॉट अनप्रिपेयर्ड। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग वही आइडियलिज्म के जमाने में बैठे रहे, हमको लगा चाइना कुछ नहीं करेगा, चलो जी कोई बात नहीं। तो चाइना लेकिन कुछ और ही प्लान करके बैठा था। चाइना ने बोला, अच्छा तुम्हें क्या लगा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे? ऑलराइट, हम आगे बढ़ेंगे। और चाइना अपने मिलिट्री प्रिपेयरनेस करने लग गया, और स्पेशली प्रिपेरेशन करने लगा स्पेशली इन द लद्दाख रीजन और द अक्साई चिन रीजन में। उसने बड़ी बड़ी मिलिट्री रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी। कैसी बातें कर रहे सर? कुछ भी बोल रहे, मिलिट्री रोड्स बनेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा, कैसी बातें कर रहे? पता कैसे कैसे? ताज्जुब की बात ये है मेरे बच्चे कि पता चला ही नहीं, क्या बात कर रहे। तो पूरा का पूरा चाइना ने मिलिट्री रोड्स बना दी, एंड वी वर कॉट एब्सोल्यूटली
एब्सोल्यूटली अनवेयर, एंड दैट इज वाई द हिंदू में ये आर्टिकल आया था दैट यू शुड रीड दिस आर्टिकल, एक बहुत ही अच्छी लाइन है। एंड अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें सबको, मैंने तुम्हें पहले बोला तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। तो ये मोहम्मद अयूब साहब का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इट सेज इन बोथ केसेस न्यू दिल्ली फेल्ड टू फुल्ली अंडरस्टैंड चाइनाज फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग इंडिया। नेहरू कुड बी इंप्यून्ड फॉर हिज आइडियलिस्टिक नोशन ऑफ आफ्रो एशियन सॉलिडैरिटी एंड हिज सस्पिशंस ऑफ अमेरिका स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स दैट इन्फ्लुएंस हिज थिंकिंग ऑफ चाइना। सो द पॉइंट हियर इज नेहरूवियन पॉलिसी, अब देखो यहाँ पर जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना इसको पॉलिटिकल नहीं बनाते, हम एक फेज की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर कुछ मजबूरियां रही होगी, ओके कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो ऐसा ऐसा फैसला लिया हो, लेकिन हमें ये बात करना है कि हमें गलतियां दोहराना नहीं है। हर इंसान को गलतियां करना अलाउड होता है, हर कंट्री को गलतियां करना इंसान को भी अलाउड होता है, बट उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। हाउएवर द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फर्मली कमिटेड टू नेशनल सिक्योरिटी अबव एवरीथिंग एल्स एंड हूज फॉरेन पॉलिसी एक्शंस आर ड्रिवन बाय ट्रांजैक्शनल रादर देन आइडियलिस्टिक कंसीडरेशन। लेकिन मोहम्मद अयूब साहब बोलते हैं कि अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिकॉज उस टाइम पर एक पूरा हाईवे बन गया था, व्हाट यस ये पूरा हाईवे बन गया था, तो शिनकियांग और जिनजियांग जैसा मर्जी तुम लोगों को प्रोनाउंस करना आता, अगर तुम्हें चाइनीज आती तो मैं से बोल गया, मालूम है तुम लोग तुम बैठे हुए हो, अच्छा उन्होंने पूरा हाईवे बना दिया था, ये कहाँ हाईवे है, अरे लद्दाख में, ये लद्दाख में ये पूरा हाईवे बन गया काशगार से लेकर लासा तक, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा ही हुआ, पूरा का पूरा हाईवे बन गया, देख रहे हो पांगोंग से ले, ये तब का हाईवे बना हुआ था और इन्होंने पूरा मिलिट्री रोड का हाईवे बना, पता हमें पता ही नहीं चला, इतना भी क्या हाल बुरा, इससे भी हाल बुरा था माय फ्रेंड्स, पूरा का पूरा हाईवे बना दिया गया और हमको ये पता चला फ्रॉम चाइनीज न्यूज़पेपर्स, ये तो क्या है मतलब इसको तो ये तो मतलब ज्यादा ही हो गया, मतलब इंडिया को पता ही नहीं चला कि पूरा का पूरा लद्दाख में हाईवे बन गया और हमारे ही एरिया से बना और हमें पता ही नहीं चला, वो हाईएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड था, उसको शिनकियांग टिबेट हाईवे बोला गया, अक्टूबर 6, 1957 को चाइनीज न्यूज़पेपर्स क्वांगमिंग यू पाओ, पता है इसका क्या मतलब होता है, लेकिन उसमें ये हमें पता चला, और अक्साई चिन रोड ओपन था, इसमें बड़े बड़े हेवी ड्यूटी ट्रक्स, ओके मेंटेनेंस इक्विपमेंट सब कुछ यहाँ पे चले गए। अब तुम्हें एक बहुत मेजर रियलाइजेशन कनेक्शन दिखाया होगा जो प्रेजेंट गालवान वैली क्लैश हुआ, तो मैंने तुम्हें पहले बोला कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये रियलिस्ट गवर्नमेंट है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया था हाईवे बनाओ, ओके वो पिछली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और इस टाइम जो चाइना ने हमारे गालवान वैली में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ये जो DSDBO रोड दारबोक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनी, उसके बाद ही ये गालवान वैली वाला इन लोगों ने स्टैंड ऑफ किया था। सो ये जो सिचुएशन 1957 में थी हमें उसे दोहराना नहीं, एंड 1957 में हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे और ये पूरा का पूरा हाईवे खुल के बैठ गया और हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे, और ये जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं फिर तुम्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से बता रहा हूँ, सो इनमें से कोई भी बात मेरी नहीं है क्योंकि मैं तो वहां पर बैठा नहीं था, सो मैं तुम्हें बड़े ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स में से बता रहा हूँ, और फिर वही हुआ जिसका डर था। तो कहते हैं ना कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना वो सॉल्व होगा नहीं, उसको इग्नोर करने से कुछ नहीं होता, और वही हुआ 20th ऑफ अक्टूबर 1962 को चाइना ने हम पर अटैक कर दिया ऑन बोथ फ्रंट्स, बोथ फ्रंट्स मतलब लद्दाख में इन द वेस्टर्न सेक्टर एंड अरुणाचल प्रदेश में इन द ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश को तब नेफा का कौन सा एरिया बोला जाता था और लद्दाख में, और इतना ज्यादा आइडियलिज्म था कि हमारी मिलिट्री को कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं था, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, ठंड का जमाना था, अक्टूबर 20th 1962 हिमालयन एरिया में माइनसेस में टेम्परेचर होता है और हमारे सोल्जर्स प्रैक्टिकली अनप्रिपेयर्ड विदाउट एनीथिंग हम वहां पर लड़ने गए,
बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन कितना लड़ते? मोस्ट ऑफ द फाइटिंग्स टुक प्लेस एट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 4,000 मीटर्स, दैट इज 14,000 फीट एंड अबव, और कितने सौ सोल्जर्स तो हमारे बेचारे फ्रॉस्ट बाइट से ही मर गए होंगे, और वो फिर भी पीछे नहीं हटे। तो बहुत ही सैड सिनेरियो, एंड चाइनीज जस्ट डिस्ट्रॉयड वन एरिया आफ्टर अनदर डिस्पाइट अ वेरी ब्रेव फ्रंट फुट बाय आवर सोल्जर्स। और बड़ा दिल जलता है ये बात सुन के, लेकिन ऐसा ही हुआ। द चाइनीज ने ह्यूज ह्यूज कैजुअलिटीज कॉज की, और फिर एक महीने के बाद करीब करीब 20 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया। बट तब तक हजारों किलोमीटर्स ऑफ एरिया चाइना इलीगली ऑक्यूपाई कर चुका था इन द वॉर ऑफ 1962। सो इट वाज अ वेरी सैड थिंग। और द आइडिया वाज कंप्लीटली कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड चाइनीज पॉलिसी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, एंड वी लॉस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एरिया, एंड उससे भी ज्यादा कीमती लार्ज नंबर ऑफ आर सोल्जर्स। सो कंप्लीटली ट्रैप्ड, कंप्लीटली स्टक आउट। अगर तुम्हें कभी पढ़ने का मौका मिले, रीड दिस बुक, द हिमालयन ब्लंडर बाय ब्रिगेडियर जेपी दलवी, और दिस वाज द एंग्री ट्रुथ अबाउट इंडिया मोस्ट क्रशिंग मिलिट्री डिजास्टर। तो यही वो दिन था जिसके बाद नेहरूवियन पॉलिसी, और रादर द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया चाइना पॉलिसी, हमेशा के लिए शट डाउन हो गया। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द नाइविटी, सो टू से, द आइडियलिज्म, सो टू से, द कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइनीज विद बाय अस, और जिसके खामियाजा हमने तब भी भुगता और अभी भी एक्चुअली भुगत ही रहे। तो ये लोग हमेशा बात बात बोलते रहते हैं चाइनीज, अरे यू फॉरगॉट द लेसन ऑफ 1962। हमने भी चाइनीज को बोला, यू आर ऑल्सो फॉरगेटिंग वो 1962 ही था। तब का इंडिया और अब के इंडिया में बहुत फर्क है, ये नया इंडिया है। अब हम वो गलती थोड़ा ना दोबारा करने वाले। तो उस टाइम तुम लकी निकले, तुमने मौके का फायदा उठाया, अब थोड़ा ना दोबारा होगा। लेकिन फिर ये वाली बात होती है कि एक देश जो अपना इतिहास भूल बैठता है, एक देश हु डज नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, वो देश कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड आई एम श्योर दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लेट दिस काइंड ऑफ अ ब्लंडर टू हैपन अगेन। एट दिस स्टेज हम लोग बंद करेंगे द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन, जो कि स्टार्ट हुआ फ्रॉम सो कॉल्ड पंचशील। इनफैक्ट ये स्टार्ट तो शिमला से हुआ, या फिर उससे भी पहले स्टार्ट कर लो, फ्रॉम द ग्रेट गेम। मैंने तुम्हें 1 घंटे में यहाँ तक ले आया हूँ विद रिलेशनशिप टू 1962, एंड दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप। वील कंटिन्यू दिस इन पार्ट थ्री ऑफ द स्टोरी। मुझे ऐसे उम्मीद है कि यू आर इंजॉइंग दिस एंड यू आर लर्निंग कंप्लीटली फ्रॉम दिस पार्ट। तो मैंने तुम्हें 2 पार्ट्स पढ़ा दिए, और काफी पुरानी कहानी हो गई, तो काफी दूर तक का सफर हो गया है। आई होप तुम्हें पता चल गया कि पढ़ना कैसे होता है। सो वी आर एट एन अकेडमी टीचिंग यू इन दिस वे। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वॉट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। यूज माई कोड सेट लाइक SIDLIVE। अगर तुम सही मायनों में स्ट्रक्चर्ड 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहते हो इन प्रिलिमिनरी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द वर्थ ऑफ एन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।